नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, खास करके बीपीएससी वाले, क्योंकि 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है और दिन बस 10 या 12 बचे हुए हैं, उससे ज़्यादा दिन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि 10-12 दिन बचे हुए हैं, अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। अभी तक तैयारी मतलब सो है, उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो इसी कारण से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें अब लास्ट 10 दिन में क्या किया जा सकता है, क्या मैक्सिमम पढ़ा जा सकता है कम टाइम देते हुए, तो वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सब से, क्योंकि इस क्रूशियल टाइम में एक महीने में वीडियो नहीं दे पाया, कोई भी नोट्स नहीं दे पाया, क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी और देख सकते हैं ये सब कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, दादाजी की मृत्यु या किसी की भी मृत्यु कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। लगभग एक महीने मुझे उसमें लग गए क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब थी, 8-10 दिनों तक उसमें सेवा करनी पड़ी और उसके बाद फिर बाकी मृत्यु हो गई, तो फिर काम क्रिया वगैरह जानते हैं आप लोग। तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और फिर से शुरू किया हूँ। तो आप सब लोग जुड़िए और जितना हम लोग कर सकते हैं 10 दिनों में उतना मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिया जाए। इसी क्रम में आधुनिक भारत, आधुनिक बिहार का जो इतिहास है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। आज कल से जो है आपका भूगोल का भी नोट्स आना शुरू हो जाएगा। जो लोग उसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनको भूगोल के कुछ नोट्स मैंने दे भी दिए हैं, जैसे बिहार का जो प्राकृतिक विभाजन है वो मैंने दे दिया है और मिट्टियों इत्यादि के बारे में दे दिया है, मिट्टियों के बारे में दे दिया। अब वाह तंत्र भी लिखना शुरू किया हूँ, तो कल परसों तक जो है आपका भूगोल का वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम पार्ट जो आपका बिहार स्पेशल है वो तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा। बिहार का करेंट अफेयर्स भी जो है वो नवंबर दिसंबर तक टोटल अपडेटेड मैं कर दूंगा वीडियोज के माध्यम से, तो इससे आपको लाभ जरूर होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम अगले 10 दिनों में और क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, ज़्यादा गेन कर सके और परीक्षा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आप आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बीपीएससी 66, इस बार जो है आपका बीपीएससी 66 है, 66 2020, ठीक है। अब टाइम बचा है आपका 12 दिन, मान के चलिए 12 दिन मात्र टाइम बचा हुआ है। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि 12 दिन में जो है आपका सिलेबस जो होता है उसमें बहुत कुछ होता है, तो यह टोटल सिलेबस कवर करना संभव ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है ना। अगर आपकी तैयारी 100-100 है, थोड़ी बहुत भी तैयारी है, तो अच्छे से आप 10 दिन यूटिलाइज करके और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास से, हिस्ट्री से जो है आपका 30-35 क्वेश्चन पक्का होता है, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री से 30-35 क्वेश्चन होता है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो आपका मॉडर्न से होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें कहाँ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है, क्योंकि यहाँ से 15-20 नंबर हमारे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जो है आपका विश्व का भूगोल से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, आपके जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन लगभग होता है, ठीक है। फिर आपका इंडिया ज्योग्राफी से होता है, इससे भी आपका 5 क्वेश्चन होता है। फिर आपका बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है, ठीक है, बिहार ज्योग्राफी से भी आपका 5 क्वेश्चन लगभग होता है, ठीक। और उसके अलावा आपका अन्य जो क्वेश्चन होता है, विविध जिसको कहते हैं, मिसलेनियस, वो भी क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन होता है। टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन लगभग जो होता है वह आपका ज्योग्राफी से होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी पर भी हमें फोकस करना है, 30 और 20, अगर ये सही से कर लेते हैं तो 30 और 20, 50 क्वेश्चन यहीं से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं पॉलिटी,
पॉलिटी से भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, और पॉलिटी का मैक्सिमम वीडियो मैं बना चुका हूं जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। क्योंकि राज्य वाला बचा हुआ है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उससे आएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये 25 से 30 क्वेश्चन में आप आसानी से 25 क्वेश्चन यहां से कवर कर सकते हैं मेरे वीडियोज के जरिए। तो टोटल वीडियो देख डालिए, एक भी वीडियो छोड़िए मत, और बहुत ध्यान से देखिए, एक दो बार देख लेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में आप पूरा का पूरा पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं मेरे वीडियोज के माध्यम से, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, उसके बाद आते हैं साइंस का सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस। अगर एक महीना मैंने वीडियो बनाया होता तो पक्का आपका जो है साइंस में कंप्लीट करा देता एक महीने में, लेकिन अब चूंकि नहीं हो पाया है तो आप लोग क्या करिए, लूसेंट का साइंस उठाइए, या फिर लूसेंट की जो बुक है उसके बाद में जो दिया हुआ है साइंस, वो सेक्शन उठाइए, और साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता दे रहा हूँ अभी, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है, और सही से अगर करते हैं तो यहाँ से भी आप जो है कम से कम 25 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 25 और 25 ये हो गया, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहां से हो गए, 20 नहीं 15 भी मान लेते हैं अगर हम लोग, तो 50 और 15 65 हो गए, और यहां से आपका 25 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं यदि ढंग से पढ़ लिया तो। तो 25 15 40 40 और 50 90 यहीं पर हो गए। तो लड़कियों के लिए तो बेरा पार यहीं पे हो जाता है। करंट अफेयर्स अभी मैंने नहीं जोड़ा है, करंट अफेयर्स देख ले, तो करंट अफेयर्स का भी 20 से 25 क्वेश्चन होता है टोटल, बिहार करंट अफेयर्स और इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स टोटल मिलाकर के 20 से 25 क्वेश्चन होता है यदि ढंग से आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो आप आसानी से यहां से 20 क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो, और यही जो है आपका 110 पहुंच जाता है, बाकी कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए, सिर्फ ये पांच सब्जेक्ट पढ़िए और अपना एग्जाम निकालिए, ठीक है। बाकी जो अर्थव्यवस्था वगैरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा मैं बता देता हूं, इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अलावा आपको पढ़ना है जनगणना, आप जनगणना पढ़ लीजिए, ठीक है, जनगणना पढ़ लीजिए। उसके अलावा बिहार का बजट पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आप बहुत कम देर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं हर सेक्शन से। जनगणना हो गया, बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे जिसको कहते हैं, आर्थिक समीक्षा ये आप देख लीजिए, ठीक है। और एक आता है वन रिपोर्ट। ये मैं कोशिश करूंगा कि ये चारों चीज आपको वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड करा दूं 25 तारीख तक, ठीक है। तो ये चारों हो गया, यहां से भी आपका 5 से 7 क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन, कभी कभार 10 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 5 से 7 क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, ये आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और मैथ तो मैंने जोड़ा ही ना, मैथ का भी 10 क्वेश्चन होता है, उसमें से भी आप 8 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो टोटल मिला करके टोटल जो है आपका 120 नंबर तक चला जाता है सब मिला करके, ठीक है। तो 120 नंबर आप आसानी से अभी भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, कहां से पढ़ना है वो मैं अभी बताता हूं, और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वेट कीजिए 2 मिनट। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इतिहास के बारे में। इतिहास में यदि हम लोग देखें तो इसमें जो हो गया आपका 3 सेक्शन हो गया, ठीक है, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, और आपका आधुनिक हो गया। तीनों का जो बिहार स्पेशल है वो मैं वीडियोस दे चुका हूं, तीनों का बिहार स्पेशल वीडियो मैं दे चुका हूं, ध्यान में रखिएगा। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके इतिहास में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास में आपने देखा होगा जो है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास में, पीटी में, तो वहां से सेक्शन, उस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बिहार के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रमुख जिनका योगदान था, महिलाओं का योगदान, छात्रों का योगदान, क्रांतिकारियों का योगदान, पत्र पत्रिकाएं, इन सबसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने टोटल आपको दे चुका हूं मैं टोटल वीडियो, तो वहां से जरूर देख लीजिए, वहां से आपका
पांच से दस क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, दस क्वेश्चन तो पक्का आने हैं, उसी से आने हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास, ये मैं टोटल वीडियो आपका नेशनल भी दे चुका हूं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का भी सारा वीडियो जो है आपका गुप्त काल के बाद तक, गुप्तोत्तर काल तक का टोटल मैं दे चुका हूं, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 घंटे में आपका टोटल प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देखिएगा और टोटल रिविजन हो जाएगा 7 से 8 घंटे में, तो एक दिन की पढ़ाई में आपका प्राचीन भारत टोटल कंप्लीट हो जाएगा उससे, ठीक है। तो निश्चित रूप से उसको देख लीजिए, प्राचीन भारत में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात रही तो मध्यकाल का भी जो बिहार से रिलेटेड है वो सारा मैं वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में 2 पार्ट में वीडियो होगा उसका, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात बाकी, तो इसमें जो है 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद पढ़ लीजिए आप मुगल काल, बस इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। मुगल काल पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी सूफी परंपरा वगैरह जो है आपका सेहरावर्दी जो है आपका जितना भी सूफी परंपरा है वो सब पढ़ लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल काल हो गया, इसमें क्या पढ़ना है, कृषि के बारे में पढ़ लीजिएगा, कृषि में सिंचाई की दर क्या थी, जो कर लिया जाता था उसका दर क्या था, विभिन्न अधिकारियों के नाम पढ़ लीजिए, वो पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से, ठीक है। जो प्रमुख स्मारक या फिर इमारतें बनवाई गई थी, ठीक है, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, किसने बनवाया था, उसकी कला क्या थी, ठीक है, कला शैली क्या थी वो जरूर पढ़ लीजिए, प्रमुख जो चित्रकार थे उनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर दिल्ली सल्तनत में आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, बलबन हो गया, इन सब जो प्रमुख आपके शासक रहे हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, शासकों का कालखंड पढ़ लीजिए, ठीक है, उनके द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। मुगल काल में भी हम लोग आते हैं तो आप बाबर से शुरू कीजिए और औरंगजेब तक जाइए, उसके बाद मत पढ़िए, ठीक है। लेटर मुगल जो है आपका परवर्ती मुगल, वहां से क्वेश्चन 9 के बराबर होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा कि लंपट बादशाह किसे कहते थे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो वह आपका टेस्ट सीरीज वगैरह जो आप बनाते हैं तो वहां से ये सब फेमस क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। फर्रुख सियर के बारे में या फिर जहांदार साहब वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है, तो वो सेक्शन आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी जो टाइम है उसमें आप दिल्ली सल्तनत जो है वो प्रमुख वंश जो है आपका गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, उसके बाद लोदी वंश हो गया, ठीक है, सैयद वंश हो गया, ये सब के बारे में पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है आपका मुगल काल में बस वही बाबर से लेकर के औरंगजेब तक पढ़ डालिए, और प्रमुख जो युद्ध हुए हैं, खानवा का युद्ध हो गया आपका, औरंगजेब वगैरह ने, औरंगजेब ने जो सिख गुरु की हत्या की थी, ये सब जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सब पढ़ डालिए, यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मध्यकाल भी जो है आप आसानी से 5 से 7 घंटे के रीडिंग में कंप्लीट कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि लूसेंट से कंप्लीट कर डालिए, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब आते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो आधुनिक बिहार का इतिहास का जो सेक्शन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अब आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है आपका ये भी कंप्लीट कर चुका हूं मैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट किया जा चुका है, टोटल वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है आपका, उसके बाद आते हैं तो यहां पर आप गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ लीजिए, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिए, गवर्नर जनरल और वायसराय का कालक्रम पढ़ लीजिए, ठीक है, किसके कालखंड में कौन सा प्रमुख घटना हुआ था ये जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे रेल की शुरुआत जो हुई थी डलहौजी के समय, या फिर तार की शुरुआत हुई थी डलहौजी के समय, आपका सज्जन रिपन कहा जाता था, लॉर्ड रिपन को, है ना, क्यों कहा जाता था, आपका प्रेस को स्वतंत्र कराने वाला कौन था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, ये सब जो हो गया, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक वगैरह जो है, लॉर्ड कार्नवालिस वगैरह जो है, अस्थाई बंदोबस्ती हो गया आपका,
ये सब के बारे में पढ़ लीजिए गवर्नर जनरल एवं वायसराय में, ठीक है। और उसके बाद जो है कांग्रेस के बारे में पढ़ लीजिए, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में मैंने दे दिया है आधुनिक बिहार के इतिहास में ही, तो वो कांग्रेस के बारे में सारे तथ्य उसमें है, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी आंदोलन है उनके बारे में भी मैं ब्रीफली बता चुका हूँ आधुनिक बिहार के इतिहास में ही, वही सारे टॉपिक जो है आपको नेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेना है, लूसेंट से एक बार रिवाइज कर लीजिए हो जाएगा, उससे आगे पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, केवल लूसेंट या फिर कोई भी स्तरीय जो जीके का किताब है वो लेकर के पढ़ डालिए हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रमुख जो घटनाएं हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई प्रमुख जो घटनाएं हैं वो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। 1857 का क्रांति पढ़ लीजिए, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 का क्रांति पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप पढ़ लीजिए जनजातीय विद्रोहों के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, जनजातीय विद्रोह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजातीय विद्रोहों में आपका भील विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, चमार विद्रोह हो गया, इन सब के बारे में जो है आपका बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हो गया, इन सब के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, इनके बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ आपका इसी में बिहार के इतिहास में, लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो पत्र एवं पत्रिकाएं थी इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा जरूर से जरूर, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, इतना पढ़ लीजिए काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख घटनाएं हैं वो तो जरूर देख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया, आपका जैसे सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपका जो 1919 का एक्ट वगैरह था वो तो मैं बता चुका हूँ, 1935 का एक्ट भी बता चुका हूँ, लेकिन बाकी जो घटनाएं हैं असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, आपका पूना समझौता हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, है ना, क्रिप्स मिशन हो गया, बेबेल योजना हो गया, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिए। कुछ जो आपके एक्ट से जुड़े हुए हैं और जो योजनाओं से जुड़े हुए हैं वो सारे आपको राज व्यवस्था में आपका शुरुआती वीडियोज में मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सब भी जो प्रमुख घटनाएं थी वो जरूर पढ़ लीजिएगा, आजाद हिंद फौज इत्यादि के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन आपको लगेगा, एक दिन में आपका आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं और चलते हैं हम लोग भूगोल में, ठीक है, कि भूगोल में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए तेजी में चल रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा भी हो जाए, तो देख लेते हैं भूगोल में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। भूगोल में जो है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है आपका दो सेक्शन हो गया इसमें, विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और उसके बाद आपका आ गया भारतीय भूगोल और उसके बाद बिहार का भूगोल, ठीक है। तो चार सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार का भूगोल मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका वीडियो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय भूगोल जो है इसमें आपका प्रमुख नदियाँ हो गई, नदियों के बारे में पढ़ लीजिए, नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ तक रूट है और सहायक नदी, इतना जरूर पढ़ लीजिए, नदियों के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद नदियों से ही जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं, जितने नहर हैं, जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, पनबिजली परियोजनाएं हैं, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। झीलों वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, मतलब अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो भी आता है, नहर वगैरह जो हो गया वो सब पढ़ लीजिए नदियों के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वन के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक, वन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, यह जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका कृषि हो गया, किस राज्य में कौन सा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो पढ़ लीजिए, ठीक है, कहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो पढ़ लीजिए, कौन सा जो है आपका उत्पादन के मामले में सबसे बेहतर है परसेंटेज के हिसाब से, और आपका उत्पादन मतलब कि किलो उत्पादन के हिसाब से, ठीक है, टन वगैरह में उत्पादन जो होता है उसके हिसाब से, तो कृषि देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप आइए और बाकी वन्य जीव अभयारण्य वगैरह के बारे में, ये तो आपका इसमें आ जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भूगोल में ही देख लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख लीजिए और जो संरक्षित क्षेत्र हैं, वन्य जीव अभयारण्य और जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में जरूर देख लीजिए, इससे भी आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लीजिए, फिर आपके भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, भौगोलिक विभाजन,
इसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें आपका हिमालय आ गया, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आ गया, फिर आपका आपका उत्तर का विशाल मैदान आ गया, ठीक है, उसका दक्षिण का पठार आ गया। तो ये चीज़ पढ़ लीजिए, समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा मैप वगैरह का यूज कर लीजिए, तो एक दिन में आपका भूगोल भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये लूसेंट से आप पढ़ डालिए, ठीक है। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए व्हाट्सएप पर, उनको मैं नोट्स दे चुका हूँ आपका, तो वो वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, भौगोलिक विभाजन हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई, पर्वत पठार वगैरह हो गए, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, यहाँ से ही सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं भौतिक भूगोल में। तो भौतिक भूगोल में आप क्या पढ़िएगा, पृथ्वी की संरचना पढ़ लीजिए, सियाल सीमा निफे वगैरह के बारे में पृथ्वी की संरचना पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड पढ़ लीजिए, ब्रह्मांड से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड पढ़ लीजिए, पृथ्वी की संरचना पढ़ लीजिए, इसी में आप पढ़ लीजिए चट्टान के बारे में, चट्टानों का रूपांतरण इत्यादि के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। चट्टान हो गया, उसके बाद आपका ज्वालामुखी आ गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। और इन सब से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो आपका चीज़ और है वो है जनजाति, जनजाति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनजातियों के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए कि कौन सा जनजाति जो है किस राज्य में निवास करता है, ठीक है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विश्व भूगोल में। तो विश्व भूगोल में भी जो यहाँ पर पढ़े हैं वही विश्व भूगोल से भी पढ़ लीजिए, जितने भी आपके महादेश हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लीजिए, कौन से देश में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा पर्वत है, ठीक है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इन सब के बारे में देख लीजिए, कहां पर कौन सी जनजाति बसती है, कहां पर कौन से आपके नहर वगैरह पाए जाते हैं, सबसे जो आपका जो स्वेज नहर वगैरह है, आपका जितना भी ये आपका काला सागर है, लाल सागर है, पीला सागर है, ये सबका अवस्थिति जो है वो वर्ल्ड मैप पर देख लीजिए, भू अवस्थित जो क्षेत्र है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, भू आविष्ठित क्षेत्र जो होते हैं, जो चारों तरफ से केवल जमीन से ही घिरे होते हैं, जो जिनके चारों तरफ में किसी भी तरफ जो है पानी नहीं पाई जाती है, भू आविष्ठित क्षेत्र जिनको कहा जाता है उनके बारे में पढ़ लीजिए, लैंड लॉक्ड कंट्री जिनको कहा जाता है उनके बारे में पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो विश्व भूगोल में भी यही है आपका, पर्वत पठार वन कृषि वन्य जीव अभ्यारण्य यही सब है आपका विश्व भूगोल में भी, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका यहीं से पूछा जाएगा, भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल और बिहार के भूगोल से। तो बिहार के भूगोल का सेक्शन आपका कंप्लीट में करा दूंगा, निश्चिंत रहिए, अगले 4 से 5 दिनों में टोटल भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं और देख लेते हैं भूगोल के बाद विज्ञान में, राज्य व्यवस्था का जितना भी वीडियो है वो मैं दे चुका हूँ, वैसे एक बार मैं बता देता हूँ जो प्रमुख जो आपके चैप्टर्स है राज्य व्यवस्था में वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो राज्य व्यवस्था में आ जाते हैं, राज्य व्यवस्था में जितने भी एक्ट्स हैं, एक्ट्स में सबसे पहले बताया हूँ, एक्ट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका प्रस्तावना। एक्ट्स कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर के 1947 तक जितने भी एक्ट्स आपका अंग्रेजों ने बनाए वो सारे एक्ट्स, ठीक है, तो वो सब के बारे में पढ़ लीजिए। फिर आपका प्रस्तावना हो गया, संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद आपका अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, अनुसूची हो गया, ठीक है, अनुसूची हो गया, ये सब पढ़ लीजिए, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद हो गया, यह आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं तो प्रस्तावना के बाद फिर संविधान के स्रोत जो है वो पढ़ लीजिए, संविधान के स्रोत, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए, मौलिक अधिकार हो गया, इसका अलग से मैंने 2 सेक्शन में वीडियो बनाया है, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक आपका कर्तव्य हो गया, ठीक है, फिर आपका डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी हो गया, उसके बाद आप आ जाइए राष्ट्रपति में, फिर आप आ जाइए संसद में, फिर आप आ जाइए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद में ही ले लेते हैं प्रधानमंत्री भी, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फिर राज्यपाल हो गया एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है,
और इसी तरह से इसी से कंपैरिजन करके आप जो है संसद में आपका लोकसभा राज्यसभा ये दोनों हो गया, और फिर आप इधर राज्य में आ जाते हैं तो विधान परिषद और आपका विधानसभा हो जाएगा, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। और एक आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है संविधान संशोधन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो संशोधन है वो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है, कि आपका जो वोट देने का उम्र है वो 21 साल से 18 साल कब हुआ 1989 में, तो ये सब जो है वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स बताए हैं, यदि पढ़ना हो तो वो सब भी आप वीडियोज के जरिए पढ़ सकते हैं। तो राज व्यवस्था से भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है साइंस। साइंस यदि आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे नंबर्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम लोग फिजिक्स में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और इधर हो गया आपका बायो, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 30 से 35 क्वेश्चन, कब 30 से कम तो होता ही नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आपका 12 से 15 क्वेश्चन जो होता है वो केवल बायो से होता है, ठीक है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स से, कभी फिजिक्स से ज़्यादा होता है, कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा होता है, तो वो उस पर निर्भर करता है कि कितना क्वेश्चन देगा, ठीक है। फिजिक्स में आप आ जाइए तो फिजिक्स में आप जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपका पढ़ लीजिए आप ओम्स लॉ वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। आप विद्युत मोटर कैसे काम करता है, विद्युत जनरेटर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये सब जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और डिफरेंट जो लॉ है हीट वगैरह जो है वो पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक, आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया, हीट हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वगैरह हो गया, आपका ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ये सब देख लीजिए, हीट देख लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है लाइट, लाइट में आप देख लीजिए जो आपका दर्पण है, जो आपका लेंस है, ये सब देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, लाइट, और जो प्रमुख यूनिट्स होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देख लीजिएगा आप, ये आपका जो आता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, मैकेनिक्स में ही आपका फ्रिक्शन वगैरह हो जाएगा, घर्षण वगैरह हो जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार का दोलक होता है, कितने प्रकार का दोलक जो होता है आपका पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। आप घर्षण के बारे में देख लीजिएगा, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिफ्ट के बारे में देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में देख लीजिएगा, ये सब आपका मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण से लिफ्ट जो है, लिफ्ट का जो फ्री फॉल होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका पेंडुलम के बारे में पूछा जाता है कि जब डोरी लंबा हो जाएगा या फिर जो बॉल है वो भारी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा पेंडुलम की गति पर, घड़ी के पेंडुलम की गति पर, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। झूला से रिलेट करके उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा, लूसेंट के साइंस से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है, आसानी से आपका 3 से 4 घंटे पढ़िएगा, आपका फिजिक्स टोटल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ आपका पहले से पढ़ा हुआ है, केवल रिवीजन करना है। 10 दिन में आप टोटल पढ़ नहीं सकते, केवल रिवीजन ही कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में जो है आपका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो है वो देख लीजिएगा, फिर आपका एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल, इसी में आपका जो है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया वो देख लीजिएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है प्रमुख रासायनिक जो आपके समीकरण होते हैं, प्रमुख रासायनिक समीकरण देख लीजिएगा, रासायनिक जो तत्व होते हैं वो देख लीजिएगा। कहने का मतलब जैसे आपका पोटास है उसका सूत्र क्या होता है, फिर आपका जो खाने का सोडा है, खाबर सोडा है, उसका सूत्र क्या हो, बेकिंग सोडा जो जिसको कहते हैं उसका सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कली चूना क्या होता है, जो चूना पत्थर होता है, संगमरमर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इन सब का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, ये आप जरूर देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कार्बन में आ जाइए, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा जाता है,
कार्बन हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां से देख लीजिएगा जो आपका बंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, इन सब के बारे में देख लीजिएगा। जो आपका सहसंयोजी बंध होता है, संयोजी बंध होता है, ये सब के बारे में आप देख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ जाइए और देख लीजिएगा आप इनके बारे में, मोल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इतना देख लीजिए केमिस्ट्री में, इतना काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। तो थोड़ा बहुत जो है कांच वगैरह के बारे में देख लीजिएगा, कांच वगैरह, कांच के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, पॉलीमर्स वगैरह के बारे में, ये सब के बारे में आपको मिल जाएगा लूसेंट के साइंस में, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि रेलवे का या फिर एसएससी का जो पुराना क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस का, वो उठा लीजिए और एक बार पढ़ जाइए, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो आप सबसे पहले सेल पढ़ लीजिए, कोशिका, कोशिका के बारे में एक चैप्टर मेरे भाई ने बताया भी है, तो कोशिका पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो सेल के बाद आप देख लीजिए, आप ह्यूमन बॉडी में आ जाइए, ह्यूमन बॉडी में आ जाइए, डिफरेंट जो तंत्र होते हैं, आपके जो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, आपका हृदय है, फेफड़ा है, लंग्स है, इन सब के बारे में देख लीजिए, ठीक है। मस्तिष्क है, इसके बारे में देख लीजिए, मस्तिष्क के जिसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, क्या क्या, कौन सा पार्ट क्या नियंत्रित करता है, इन सब के बारे में देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए और देख लीजिए आप डिजीजेज के बारे में, डिजीजेज के बारे में देख लीजिए, रोगों के बारे में, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किस रोग के का इलाज क्या है, ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा आपका किस कारण से होता है, यह देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खास करके विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन का जो आपका रासायनिक नाम होता है, जैसे आपका कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं, आपका साइनोकोबालामाइन किसको कहते हैं, तो ये सब जो है आपका विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो है फंगस वगैरह जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। फिर आपका जो जीवों का वर्गीकरण है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे केकड़ा कौन से वर्ग का जीव है, ठीक है, आपका कैक्टस कौन से वर्ग का आपका वो प्लांट है, ये सब जो जो पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है, ठीक है, उसके बारे में जरूर पूछा जाता है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा हार्मोन्स के बारे में देख लीजिएगा, डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन जो है आपका ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा किस प्रकार का हार्मोन है, कौन सा पौधों में पाया जाता है, कौन सा जंतुओं में पाया जाता है, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है, हार्मोन्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कम से कम इतना पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद यदि आपको कोई और पॉइंट लगता है तो वो देखिएगा, मिनिमम इतना पॉइंट जरूर देख लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, जो कि है आपका करेंट अफेयर्स। अब आते हैं करेंट अफेयर्स में, तो करेंट अफेयर्स में सबसे पहले तो आप खेल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, खेल से दो या तीन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पुस्तक की और रचयिता से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है खेल हो गया, पुस्तक हो गया, पुरस्कार, पुरस्कार से भी एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर जो हो गया संधि, हो गया संधि या सम्मेलन, संधि या सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो हो गया प्रमुख योजनाएं, आपका बिहार का जो करेंट अफेयर्स है वो मैं टोटल कंप्लीट करा दूंगा, आपका जून तक कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद का जो बचा हुआ है, जो आपका जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा 25 से पहले, ये आप ध्यान में रखिए। तो प्रमुख योजनाएं हो गई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं जो योजनाओं में, आपका सरकारी योजना हो गया, ठीक है, मतलब कि भारत सरकार की योजना हो गई और राज्य सरकार की योजना हो गई, दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्स एंड पोर्टल्स, एप्स एंड
पोर्टल्स, जैसे रेल मंत्रालय का कौन सा ऐप है, फिर कृषि मंत्रालय का कौन सा ऐप है, डिफरेंट पोर्टल दे देगा, पूछेगा कि कौन से मंत्रालय का ये पोर्टल है या ऐप है। तो इन सब के बारे में, आत्मनिर्भर भारत अभियान वगैरह जो है आजकल फेमस हुआ है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी में जो है आपका आर्थिक समीक्षा और बजट भी मैं डाल देता हूँ, जो कि बिहार का होगा और भारत का होगा, दोनों आप देख लीजिएगा, आर्थिक समीक्षा और बजट, ये जो है आपका देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई का जो डिफरेंट रिपोर्ट आता है, विभिन्न जो रिपोर्ट और सूचकांक, रिपोर्ट और सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा देश और विदेश से जुड़ा हुआ जो भी आपका विभिन्न घटनाएं होती हैं, करेंट अफेयर्स में यही सब होता है, लेकिन ये सब जो पॉइंट है ये आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा, इसको कभी भी छोड़ करके मत जाइएगा। साल भर का जितना भी है वो सारा कोई भी एक वार्षिकी ले लीजिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। घटना चक्र का वार्षिकी भी आया, बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका प्लेटफॉर्म का आया है, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। भी एक बार से की ले लीजिए, अरिहंत भी ले सकते हैं, और वहां से आप निपटा लीजिए ये सारे पॉइंट्स। ठीक, तो करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। इतना यदि आप कर लेते हैं तो जनगणना हो गया, इसके अलावा जनगणना हो गया और आपका वन रिपोर्ट हो गया, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से 110 से 120 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। पिछले दो बार से कट ऑफ 97 जा रहा है, मैक्सिमम जाएगा तो 100 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग जो अलग अलग कैटेगरी के हैं तो वो अपना उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। ओबीसी वाले जो हैं वो 95 के आसपास बना लेते हैं तो सही है, फिर बाकी जो एससी एसटी वगैरह है वो सब अपना अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा। जो लड़कियां हैं वो यदि 90 से 95 क्वेश्चन बना लेती हैं तो उनके लिए काफ़ी है, 95 का टारगेट लेकर के चलिए कम से कम लड़कियां, ठीक है, तो उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि 40% आरक्षण है तो आसानी से वो कवर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, ठीक है, आज के वीडियो में मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जो बचा हुआ समय है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप तैयार कर सकते हैं अगले बचे हुए दिनों में, और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे और यदि आपको कुछ लाभ हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो है आप कमेंट्स में लिखिए आपको कोई और समस्या है तो। ठीक, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है, और यदि आपको बिहार स्पेशल का नोट्स चाहिए तो 500 रुपये में मैं टोटल नोट्स दे रहा हूँ, बिहार स्पेशल, जितना भी आपका इतिहास है, भूगोल है, आपका बजट है, आर्थिक समीक्षा है, वन रिपोर्ट है, फिर आपका करेंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, इतना मैं दे रहा हूँ मात्र 500 रुपये में, आपको WhatsApp पर मिल जाएगा PDF नोट जो कि मेरे हाथ से लिखा होगा। तो यदि आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, WhatsApp कर सकते हैं मुझे 9525360283 पर। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।